ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं 7.2 एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू फोर इक्वल पार्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन था हमारा इसे ही एक्सरसाइज का, जिसमें हमने एक लाइन सेगमेंट के तीन इक्वल पार्टीशन किए थे, यानी कि ट्राइसेक्ट किया था। बिल्कुल उसी तरह से है, फोर इक्वल पार्ट्स, चार पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए इस ए और बी को लेकर चलते हैं। देखिए ए इज -2 2 एंड बी इज 2 8। हमें क्या करना है, इसके फोर इक्वल पार्टीशंस करने हैं। ठीक है, तो ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि पी क्यू और आर ये जो हैं वो हमारे पास इस कंप्लीट ए बी साइड को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वही लेट करते हैं, लेट पी क्यू एंड आर आर द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू फोर इक्वल पार्ट्स। ओके, चार इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहे हैं ये तीन पॉइंट। तो अब बात आती है कि इनके रेशियोज क्या क्या होंगे, मेन काम वही रेशियो का ही है। ठीक है, सो अब ये देखिए इसका मतलब क्या, चार इक्वल पार्टीशन का मतलब क्या आ गया, बहुत ही शो कर देते कि एपी पी क्यू क्यू आर एंड आर बी सभी का रेशियो आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब पहले पी के रेशियो निकाल लेते हैं। तो पी का रेशियो निकालने के लिए हमें एपी का रेशियो पूरे पी बी के साथ लेकर चलना है, तो वही लेकर चलते हैं। नाउ एपी एंड पी बी का रेशियो लेकर चलते हैं। तो देखिए एपी और पी बी, इस पी बी को हम तीन पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं, भाई पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी, है ना। जैसा सेकंड क्वेश्चन किया था उसी तरह से, उसमें दो पार्टीशन हुए थे क्योंकि ट्राइसेक कर रहे थे, इसमें तीन पार्टीशन हो गए इसके हमारे पास। तो अब ये देखिए कि जो पी क्यू क्यू आर आर बी ये सभी क्या है, एपी के इक्वल है, यानी कि ये भी एपी प्लस एपी प्लस एपी ऐसे लिखा जा सकता है थ्री टाइम, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री टाइम ऑफ एपी, जो कि कैंसिल होके क्या बच गया, वन और थ्री का रेशियो बन गया हमारे पास, है ना। फिर हमें एपी का पीबी के साथ रेशियो मिल गया है 1:3। ओके, इसी तरह से अब हम ए क्यू का क्यूबी के साथ रेशियो भी निकाल लेते हैं। अब ए क्यू एंड क्यूबी, अब क्योंकि ये देखिए ए क्यू जो है दो हिस्सों से मिलके बना है, एपी प्लस पी क्यू से, और क्यूबी जो है वो क्यू आर प्लस आर बी से बना है। अब ये हैं तो चारों सारे इक्वल, तो इन सभी को सेम एपी में कन्वर्ट कर लें, एपी प्लस एपी, तो ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, टू टाइम ऑफ एपी। नीचे भी एपी प्लस एपी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी क्या हो जाएगा, टू टाइम ऑफ एपी। दोनों कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, यानी कि हमारे पास रेशियो क्या बन रहा है, 1:1 का रेशियो। ये इट मीन्स जो क्यू है वो हमारा मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से आराम से क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। फिर बात आती है आर के, आर के रेशियो निकालने के लिए हमें ए आर का रेशियो आर बी के साथ चाहिए, है ना। अब जो ए आर है वो ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर इनसे मिलकर बना है, आर बी सेम रहने दें, अब सभी को एपी में कन्वर्ट कर दें, ये भी एपी में एपी में एपी में, थ्री एपी हो गई न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में इसको एपी लिख सकते हैं, एपी से एपी कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 3:1, यानी कि आर का जो रेशियो है वो क्या हुआ, 3:1 का रेशियो हो गया, है ना। तो अब क्योंकि हमारे पास रेशियो आराम से आ चुके हैं, तो हम सेक्शन फॉर्मूले से इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी किसके इक्वल आ जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट पे काम करने के लिए आपको 1 को ए से रिलेट करना, सॉरी बी से रिलेट करना पड़ेगा, और 3 को ए के साथ। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट पर काम कर लें, एक साथ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, सो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस
थ्री को मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस टू के साथ, डिवाइड में क्या आ जाएगा, वन प्लस थ्री, कोमा लगा के इसी के साथ वाई कोऑर्डिनेट भी दिखा देते हैं भाई, वन एट के साथ मल्टीप्लाई करेगा एंड देन थ्री टू के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय वन प्लस थ्री, सो ये किसके इक्वल आ गया, टू माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय फोर एंड दैट वन इज एट प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय फोर, सो ये आ गया हमारे पास माइनस फोर बाय फोर एंड 14/4, जिसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है, माइनस वन एंड 7/2, तो ये देखिए ये हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट आ गए जो कि क्या है, माइनस वन एंड 7/2 के इक्वल। इसी तरह से सेक्शन फॉर्मूले से ही हम अब आर के पॉइंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है, आर आर कैसे निकलेगा, अब थ्री बी से रिलेट करेगा और वन ए के साथ, सो थ्री इंटू टू पहले एक्स कोऑर्डिनेट पर काम कर रहे हैं और फिर वन इंटू माइनस टू दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय वही थ्री प्लस वन, फिर वाई कोऑर्डिनेट थ्री को एट के साथ एंड देन वन को टू के साथ डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन, सो ये आर किस में कन्वर्ट हो गया, सिक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय फोर एंड 24 प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर, सो इसको और सॉर्ट कर लेते हैं, 4/4 एंड 26/4 जो कि कितना आ गया, वन एंड 13/2, सो आर के कोऑर्डिनेट आ गए वन एंड 13/2, ओके, सो डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूले के अंडर ही अगर करना चाहते हैं तो सेक्शन फॉर्मूले के अंडर कर दीजिए, या आप वन यानी कि वन वन रेशियो पे काम नहीं करना चाहते हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बता दीजिए कि भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, क्यू किसके इक्वल आ जाएगा भाई, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन माइनस टू प्लस टू डिवाइडेड बाय टू, इसी तरह से दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय टू, तो देखिए क्या आ गया, 0/2 एंड 10/2, मीन्स क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0 एंड 5, ये आ गया अपने 0/5, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, हमने ये तो नोटिस कर लिया था कि क्यू जो है वो मिड पॉइंट है इस ए बी का, क्योंकि उसके लेफ्ट में भी उतने ही पार्टीशन है जितने उसके राइट में है ना, दो पार्टीशन इधर दो पार्टीशन इधर और दो का रेशियो आ गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वन वन का रेशियो ही बोला जाता है। फिर आप नोटिस करेंगे जो पी है वो पी एक्चुअल में ए क्यू का मिड पॉइंट है ना, तो आप ए और क्यू की वैल्यू पहले निकाल चुके होंगे, तो उन दोनों के हेल्प से आप मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प लो दोबारा से और पी निकाल सकते हो, यानी कि कहां से, ए और क्यू से। इसी तरह से आर जो कोऑर्डिनेट है वो क्यू बी का मिड पॉइंट होगा है ना, तो आप आर के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट पर काम करके, क्यू और बी पर काम करके। देखिए 0+2 टू, टू डिवाइडेड बाय टू वन, 5+8 13, 13 डिवाइडेड बाय टू, देखिए 13/2 सेम आ रहा है उसी तरह से है ना, तो आप कैसे भी कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो ये प्रोसीजर हो जाएगा, मिडल टर्म सॉरी मिडल फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करना है तो आप वो वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर बच्चे का एक डिफरेंट वे हो सकता है इसको एक्सप्रेस करने का।